प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनके हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली अर्थात तप करने वाली। माँ के इस रूप की उपासना करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी के लिए तपस्या करता है उसके अंदर संयम, त्याग, वैराग्य और सदाचार की उन्नति होती है। इस बारे में विस्तार से हमें बताने के लिए हमारे पंडित जी संजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जय माता दी। आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज दिनांक जो है 3/4/2022 है। दिन रविवार रहेगा। आज नवरात्रि का जो है माता का जो नाम है ब्रह्मचारिणी के रूप से ब्रह्मचारिणी के नाम से माता का पूजन किया जाएगा। आज ब्रह्मचारिणी माता का विशेष पूजन होगा। देवी के इस रूप को माता पार्वती के रूप में माना जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म के समान जो है आचरण करने वाली, इन्हीं को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। इनका जो यह है श्वेत वस्त्र में रहती है, दाहिने हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। यह देवी का जो है तेज स्वरूप और ज्योतिमय है इनका माता ब्रह्मचारिणी का रूप। अब जो हम चर्चा करेंगे ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा अर्चन करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को जो है ना दूर किया जा सकता है। इनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इनका जो है गुड़ से बना हुआ अगर प्रसाद इनको नैवेद्य लगाते हैं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि मंगल के जो है कारक हैं, मंगल की शांति मिलती है। अब जो बात करेंगे आप जो है ब्रह्मचारिणी की माता का पूजन करें, विशेष पूजन अर्चन करें, आपको नवरात्रि का दूसरा दिन जो है विशेष लाभ होगा। माता ब्रह्मचारिणी आपके ऊपर जो है ना कृपा बनाए रखे। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।